हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रीलांसिंग से ही जुड़ी एक और वीडियो। इसमें हम बात करेंगे कि freelancing.com पे अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे पा सकते हैं, हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट ऑन फ्रीलांसर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोज़ पसंद आएँ तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर कीजिए। आपके लाइक्स और शेयर्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं और इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं जो भी कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, फ्रीलांसिंग जो है वो कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये नया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म है और इस पर मिलियंस ऑफ फ्रीलांसर्स जो हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अकाउंट क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट डे से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट और हार्डवर्क पुट इन करना होगा। ये मैं आपको अपनी एक फर्स्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा रही हूँ। तो इसमें देखिए, आप जब भी फ्रीलांसर पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स पोस्ट होंगे आप उन पे बिड करेंगे, और जब भी आप उस पे बिड करेंगे तो आप उस पे नोटिस करेंगे कि उसमें सिर्फ आपकी बिड नहीं, मतलब विद इन वन मिनट मोर देन 50 to 60 बिड्स वहाँ पे उस प्रोजेक्ट्स के लिए आ जाएंगी। तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी जिससे कि हम उस भीड़ में से स्टैंड आउट कर सकें, जिससे कि जो रिक्रूटर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनको हमारा ही प्रपोज़ल जो है वो इम्प्रेसिव लगे और वो इंस्टेड ऑफ इनिशिएटिंग चैट विद अनदर फ्रीलांसर्स वो हमें ही मैसेज करें, हमें हमसे ही बात करें कि हम उनको जो हमने बजट प्रपोज़ किया है अपने बिड में, उस वाली बिड प्राइस में हम उनको क्या वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं कितने दिनों में। ठीक है जी, तो आपने इसके लिए एक मेन जो स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी मैं वही आपको बताऊँगी। उसमें आपको करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने कंटेंट राइटिंग के ही मैं बताऊंगी क्योंकि मैं उसी फील्ड में, मेरा अकाउंट है। और हाँ, आज मैं आपसे शेयर भी करूंगी अपनी मंथली अर्निंग्स freelancer.com की, जस्ट टू मोटिवेट यू कि अगर आप इस पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ये एक्चुअली गुड पेइंग एक प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा नहीं है कि कोई फेक प्लेटफॉर्म है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप भी जान सकें कि जब मैंने फ्रीलांसिंग पे कंटेंट राइटिंग का अकाउंट क्रिएट करा तो मैंने उसमें क्या क्या अर्न किया। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स को लेने की। तो आप जब भी अपनी जो भी स्किल्स आपने पोस्ट करी हैं उस पर चूज़ करी हैं उनके रिगार्डिंग आप जब भी स्किल कोई एंटर करेंगे, प्रोजेक्ट उस पर ब्राउज़ करेंगे उस स्किल से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको अपनी थर्ड वीडियो में बताया था जिसका एक लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूँगी। तो आपने ब्राउज प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है, उस पर अपनी कैटेगरी पोस्ट करनी है अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, जैसे कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिसर्च राइटिंग, जो भी, और उससे रिलेटेड जो है प्रोजेक्ट्स वहाँ आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। मिनिमम वहाँ पर 30 to 40 प्रोजेक्ट्स तो आपको दिख ही जाएंगे जो भी आपके कीवर्ड्स होंगे सर्च के उनसे रिलेटेड। तो आपने उस प्रोजेक्ट को रीड करना है, और अगर आपको लगता है कि आप उस बजट में और उस डेडलाइन में वो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो आपने उस पर बिड करना है। तो बिड करने का जो फर्स्ट सीक्रेट है जिससे कि आपको प्रोजेक्ट मिलेगा और आप एम्प्लॉयर की अटेंशन फर्स्ट सेकंड में ग्रैब कर पाएंगे, उसका फर्स्ट रूल तो ये है कि जैसे ही प्रोजेक्ट पोस्ट होता है आपने उसी टाइम उसको क्लिक करना है। ये नहीं कि 2 hours एगो वाला कोई प्रोजेक्ट है आप उस पर बिड कर रहे हैं जिस पर ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ फ्रीलांसर्स ने बिड कर चुके हैं। उसमें आपको पॉपअप नोटिफिकेशंस भी आते रहते हैं, या फिर आप कोशिश कीजिए जो 2-4 मिनट पुराना प्रोजेक्ट है, 5-6 मिनट पुराना प्रोजेक्ट है आप उस पर बिड कीजिए। ठीक है, तो आपने इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो अपना आउट ऑफ फ्रीलांसर एक आपने MS वर्ड की फ़ाइल ओपन करनी है, उस पर आपने एक जनरल अपना प्रपोज़ल बनाना है। जैसे कि हम राइटिंग की बात कर रहे हैं, आपने राइटिंग से रिलेटेड अपना प्रपोज़ल बनाना है। तो उसमें आप ग्रीटिंग्स देंगे पहले तो एम्प्लॉयर को, ग्रीटिंग्स फॉर द डे, हाई माय नेम इज़ सो एंड सो, आई हैव दिस क्वालिफिकेशन, आई पोजेस एक्सपीरियंस इन दिस एंड दिस, एंड
रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है आप वो रिक्वायरमेंट्स उसमें डिस्कस करेंगे। आप बताएंगे कि इन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं ये काम आपको करके दे सकता हूँ। और कोशिश कीजिए कि अगर एम्प्लॉयर ने उसमें 3 डेज़ डाले हैं तो आप 3 डेज़ या उससे कम ही टाइम में वहाँ पे टाइमलाइन मेंशन कीजिए। अगर एम्प्लॉयर ने लिखा है उसे 5 डेज़ में प्रोजेक्ट चाहिए तो 5 और लेस आपने उतना टाइमलाइन मेंशन करना है। और शुरू में आपने ग्रीडी बिल्कुल नहीं होना है, बाद में भी नहीं होना है, क्योंकि हार्डवर्क से ही काम चलेगा, ग्रीडीनेस से नहीं चलेगा। तो आपने देखना है कि जो एम्प्लॉयर का बजट है उसमें जो मिनिमम उसने बजट डाला है, जैसे कि एम्प्लॉयर्स जो होंगे वो कई बार डालते हैं जैसे $20 टू $50 का उनका बजट है किसी स्पेसिफिक आर्टिकल के लिए, किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए। आपने एम्प्लॉयर का जो मिनिमम बजट है आपने वही बजट सबसे पहले बिड करना है, ताकि एम्प्लॉयर को ऑब्वियसली बात है कोई भी ज़्यादा पे नहीं करना चाहेगा उसी जॉब के लिए जो काम उसको कम रेट में मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आपने उनको अपने प्रपोजल में मेंशन करना है कि मैं आपका जो प्रोजेक्ट है वो मैं जितनी आपकी डिज़ायर टाइमलाइन है उसमें या फिर उससे भी कम में अगर आपको लगता है उसमें मैं ये प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और इसके लिए आई विल चार्ज यू सो एंड सो अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट जो है उसमें आपने सेलेक्ट भी करनी होती है और ऐसे प्रपोजल में लिखनी भी होती है। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपने MS Word में ये प्रपोजल, एक जनरल सा प्रपोजल आपने लिख लेना है और उसमें लास्ट में ज़रूर मेंशन कीजिए प्लीज़ टेक्स्ट मी टू सी कि मेरे पास जो भी सैम्पल्स हैं वो मैं आपको दिखा सकूं। ठीक है, तो आपके जो सैम्पल्स हैं वो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। पोर्टफोलियो नहीं अभी तक क्रिएट किया है तो मैं एक बार फिर से ब्रीफली आपको बता देती हूँ। आप गूगल पे कोई भी आर्टिकल्स जो आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड हों उन आर्टिकल्स को सर्च कीजिए और उन आर्टिकल्स को अपनी लैंग्वेज में रीराइट कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपने कोई भी जो एक भी सिंगल सेंटेंस भी है आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपने अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना है, रीराइट करना है। ऐसे आपने मिनिमम 4 to 5 आर्टिकल्स डिफरेंट नीच से रिलेटेड आपने रीराइट करके रख लेने हैं। तो आप उसमें लिख दीजिए प्लीज़ टेक्स्ट मी फॉर सैम्पल्स। ठीक है, ये आपने लास्ट में ज़रूर लिखना है। और एंड में लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, बेस्ट रिगार्ड्स, जो भी आपका नेम है। ठीक है जी, तो ये आपने एक सैम्पल पहले लिख के रख लेना है। अब जैसे ही वहाँ पे आप अकाउंट लॉगिन करेंगे, कैटेगरीज ब्राउज करेंगे, तो जो भी आपके रिसेंटली पोस्टेड प्रोजेक्ट्स होंगे 10 मिनट से नीचे जो होंगे, सबसे पहले आपने उन पे बिड करना है। अगर उन पे बिड करने से पहले भी कोई आपको नोटिफिकेशन में पॉप आउट हो जाता है 2 सेकंड्स अगो 3 सेकंड्स अगो, तो पहले आपने उन पे बिड करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें एक प्रोजेक्ट के ऊपर 2-3 मिनट्स में ही 50-60 बिड्स आ जाती हैं, कई बार 150 तक बिड्स आ जाती हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, बल्कि जो ज़्यादा ईजी होते हैं उनके ऊपर ही आती है ऐसी बिड्स, जो नहीं भी ईजी होंगे उन पर भी 30-40 तो आराम से आ जाती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करना है कि सबसे पहले आपकी बिड एम्प्लॉयर के पास जाए, ताकि जब उसको एक पूरी लिस्ट दिखे कि इतने लोगों ने मेरे प्रोजेक्ट पे बिड किया है, तो उस लिस्ट में से वो उसी फ्रीलांसर को चूज़ करे जिसका बजट लोएस्ट हो और जो उसे सैम्पल्स देने में इंटरेस्टेड हो और जो उसकी डिज़ायर टाइमलाइन में काम प्रोवाइड कर सके। ठीक है जी, तो ये आपने की पॉइंट है जो याद रखना है अपना, कि प्रपोजल जो है वो आपका सबसे पहले एम्प्लॉयर को अपीलिंग लगे। ठीक है, और साथ में मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगी, वो टिप ये है कि अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो आप अपना इंस्टाग्राम पे भी और लिंक्डइन पे भी आप अपने कुछ जो हैं कंटेंट के पीसेस जो हैं वो पोस्ट करने स्टार्ट कीजिए। कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ्स चाहे आप पोस्ट करने स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका धीरे धीरे एक ब्रांड नेम क्रिएट हो, लोगों को पता लगे कि अच्छा ये लिखते हैं, ये अच्छा लिखते हैं, और अगर उनके खुद को भी कोई कंटेंट राइटिंग की जॉब पता लगे तो वो खुद आपको कॉन्टैक्ट कर ले। ठीक है जी, तो आप इस तरह से क्या है आपका एक ब्रांड क्रिएट हो जाए। बहुत कंपनीज हैं जो अपनी ओल्ड स्कूल थॉट से न्यू स्कूल में कन्वर्ट कर रही हैं, तो अपनी वेबसाइट्स बना रही हैं, ऐप्स लॉन्च कर रही हैं, अपनी वेबसाइट्स को दोबारा डिज़ाइन करवा रही हैं, उनमें न्यू कंटेंट लिखवा रही हैं, आर्टिकल्स लिखवा रही हैं, वेब पेजेस नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और ग्राफिक्स ऐड हो रहे हैं उनमें। तो ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट्स की कोई कमी है, थोड़ा सा बस आपको एफर्ट करना होगा और आपको पेशेंस रखनी होगी, तभी आप जो हैं अपना
फ्रीलांसर पे एक अच्छा करियर स्टार्ट कर सकेंगे। तो चलिए, ये तो था कि आपने अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे लेना है, फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे लेना है फ्रीलांसर पे। अब एज़ प्रॉमिस्ड मैं आपको शो करूँगी कि मैंने फ्रीलांसर वेबसाइट पे क्या क्या अर्निंग्स की हैं, जस्ट अ ग्लिम्प्स में आपको दिखाना चाहूँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है फ्रीलांसर वेबसाइट पे। अब मैं आपको शो करूँगी इसमें जो मेरी अर्निंग्स रही हैं पिछले कुछ टाइम पे। ये देखिए, 100 USD, 200 USD, 275 USD, 350 USD, 4000 INR। ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा ही 100-200 ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले इतने अमाउंट के USD में। शुरू में जो मुझे भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कम ही अमाउंट के मिलते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू में यही की है, आपकी सीक्रेट यही है कि आपने कम से कम अमाउंट पे वेट करना है ताकि एम्प्लॉयर जो है वो आपको कम बजट में हायर कर ले, और अगर उनको आपका काम पसंद आएगा तो वो नेक्स्ट टाइम आपको अपने आप ही ज़्यादा अमाउंट जो है वो ऑफ़र करेंगे। और बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने कम बजट बिड किया है तो आपने, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्वालिटी आपने अपनी बेस्ट देनी है। आपने अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग जो भी आप उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड बेस्ट जो वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं आपने वही प्रोवाइड करना है। तो ये देखिए, मेरे शुरू के प्रोजेक्ट्स आ गए हैं हम 20 GBP, 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ये ZAR में है, 25 USD, 500 INR। मतलब शुरू में हमें कम अमाउंट में भी प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, एक बार अपनी क्वालिटी बताने के लिए, एक रिव्यूज़ बढ़वाने के लिए। ये देखिए, 22 USD, 20 USD जो बाद में थे वो अपने आप ही प्रोजेक्ट्स जो है मुझे ज़्यादा अमाउंट में मिलने लग गए जब मेरे अच्छे अच्छे रिव्यूज़ पोस्ट हो गए वेबसाइट पे। देख रहे हैं आप, अभी मैं आपको अपना फ़र्स्ट प्रोजेक्ट पीस में दिखाऊंगी। ये देखिए जी, 2220, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है 6 years ago। उस टाइम पे जब मैं बिड करती थी, ये देखिए 16 USD, 90 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो इससे जो है मुझे अमाउंट जो है वो अच्छी मिलनी स्टार्ट हो गई थी। जब एक प्रोजेक्ट डल जाता है ना हमारा $100 के अराउंड, तो अपने आप ही हमारे जो अगले एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, दे रियलाइज़ कि इनके काम में जो है क्वालिटी अच्छी होगी, तभी इनको किसी पिछले एम्प्लॉयर ने इतनी अमाउंट पे की है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप मेरी प्रोफाइल देखकर कुछ मोटिवेट हुए होंगे और आप एक्चुअली बिलीव करते होंगे कि अगर फ्रीलांसर पे हम कंसिस्टेंटली हार्डवर्क और एफर्ट पुट इन करें तो हम एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं पर मंथ। तो आप जल्दी से अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं क्रिएट किया है, और अगर आपकी कोई क्वेरी है फ्रीलांसर से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू, क्योंकि जब मैंने फ्रीलांसर स्टार्ट किया था मुझे कोई किसी ने गाइड नहीं किया, मैंने खुद ही सीखा। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप में से कम 5 to 6 लोग भी अगर अपना फ्रीलांसर पे अकाउंट ओपन करके इनकम अर्न करना स्टार्ट कर दें तो मेरे लिए बहुत ही सक्सेस की बात होगी। ठीक है जी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं मिलूँगी जल्दी ही आपसे फ्रीलांसर से जुड़ी और वीडियोस लेकर। तो तब तक टेक केयर, सी यू सून।